मित्रों, कविता से पहले सिर्फ चार पंक्ति की बात, क्योंकि उसके संदर्भ में है ये कि हमारे देश में सहिष्णुता के बहुत सारे स्तर हैं, बहुत सारे आयाम हैं, और उसे सबसे अच्छी तरह से उर्दू के एक शायर हुए हैं अमीर मीनाई, उससे समझा जा सकता है सिर्फ एक शेर। और वो शेर इस तरह से है कि वो बेदर्दी से सर काटे मेरा, वो बेदर्दी से सर काटे मेरा, और मैं कहूं हुजूर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हमारे देश में वो बहुत सहिष्णु हैं, हमें सिर्फ इतनी इजाजत दी हुई है कि जब वो हमारा झटका करें तो हम उनसे ये निवेदन कर सके, प्लीज थोड़ा आराम आराम से। अब कविता, क्योंकि ये इसी संदर्भ से जुड़ी हुई कविता, इसलिए मुझे वो शेर पढ़ना पड़ा। आइए आम आम चिल्लाएं, आप जानते हैं आम के बारे में, आइए आम आम चिल्लाएं, दलितों के दुख में हाय हाय बर्राएं, मुर्ग मुसल्लम कीमा कोरमा दाल मखनी बकरे का शोरबा, थाली में शाही पनीर टटोलते हुए मुंह में रसगुल्लों की खेप घोलते हुए, टपकते हुए रस से सूट टाइयों साड़ियों गहनों को बचाते हुए, प्लेट भर भर मिठाई खाते हुए डकारों की तान पर इन घर द्वार कपड़ों लत्तों से महरूम, डकारों की तान पर इन घर द्वार कपड़ों लत्तों से महरूम, उम्र भर फाकों में जीते दलितों के संताप में, इनके उद्धारक बनने के प्रलाप में, आइए इनके उद्धारक बनने के प्रलाप में आइए समाज को बेदर्द बताएं। इतना सारा कुछ करने के बाद आइए समाज को बेदर्द बताएं, आंखों में आंसू लाने को बाजार से ग्लिसरीन खरीद लाएं, और तब बाजार से ग्लिसरीन खरीद लाएं, और तब हम संवेद स्वरों में आम आम चिल्लाएं, हम संवेद स्वरों में आम आम चिल्लाएं। भाइयों बहनों, संविधान को परे हटाकर मेज पर मनुस्मृति सूर और तुलसी की किताबें सजाकर, कबीर की नानक की रैदास की वाणी को, अंबेडकर जैसे अप्रतिम विद्वान और विज्ञानी को, उनके लेखन और दर्शन को कूड़ा बताएं, कूड़ा ठहराएं। शूद्रों और नारियों को छाती पीट पीट कर पशु समान और ताड़न के अधिकारी बताएं। आइए अद्वैत की ताल पर नाचें, हर प्राणी में वही एक समाया का कीर्तन करें, और आइए अद्वैत की ताल पर नाचें, हर प्राणी में वही एक समाया है का कीर्तन करें, और उसी एक के द्वारे पर यदि दलित आए तो उन्हें हम सब मिलकर जूतियां। उन्हें अपने परम संत तुलसी के ढोल गवार शूद्र का अर्थ प्रेम से समझाएं कि मूर्ख हो तुम, बस पिटने के ही अधिकारी हो, मंदिर में साथ बैठने के नहीं, इसलिए तुम मंदिरों के दरवाजों पर खड़े रहो, पड़े रहो लाइन लगाकर, हाथ फैलाकर, हर मंगलवार को मंदिरों में फेंका हुआ प्रसाद पाओ, और फिर हरे हरे आम आम चिल्लाओ, और फिर हरे हरे आम आम चिल्लाओ, बजरंगबली के गीत गाओ। भाइयों बहनों, और यदि वो ना गाएं तो, और भाइयों बहनों अगर वो ना गाएं तो
अपने खेतों में इनका टट्टी पेशाब बंद कराओ, अपने खेतों में इनका टट्टी पेशाब बंद कराओ, इनकी झोपड़ियों की दिवालियां मनाओ, इनकी झोपड़ियों की दिवालियां मनाओ, इनके होश ठिकाने आने पर, और यदि इनके होश ठिकाने आने पर फिर इन्हें गले लगाओ। गगन भेदी हुंकारों नारों के साथ आइए हम कसम आम की खाते हैं। गगन भेदी हुंकारों नारों के साथ आइए हम कसम आम की खाते हैं। आइए जगरातों की अनवरत श्रृंखला चलाएं, जगरातों की अनवरत श्रृंखला चलाएं, देश के 30% चाहे फाके करते हुए मर जाएं, देश के 30% चाहे फाके करते हुए मर जाएं, हम अमरनाथ यात्रियों को देसी घी में तली पूड़ियां खिलाएं, हम अमरनाथ यात्रियों को देसी घी में तली पूड़ियां खिलाएं, तिरुपति मंदिर में हीरे जवाहरात और करोड़ों के चढ़ावे चढ़ाएं, देश के दलित चाहे एक अदद साइकिल भी ना खरीद पाए, देश के दलित चाहे एक अदद साइकिल भी ना खरीद पाए, हम वैष्णो देवी के दर्शन को हेलीकॉप्टर से जाएं। आइए सभा के समापन की ओर बढ़ें, आइए सभा के समापन की ओर बढ़ें, सब खड़े हो जाएं, अपना गण विधान श्रद्धान्वत गाएं, अपना गण विधान श्रद्धान्वत गाएं, जो समानता की बात करेगा मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से, जातिवाद से, ऊंच नीच से, गरीबी से, जो भी आजादी की बात करेगा उन्हें देशद्रोही कहकर धर लेंगे। जो कानून कानून चिल्लाते हैं, जो संविधान संविधान चिल्लाते हैं, वो ध्यान से सुन लें, कानून हमारा क्या कर लेगा। हम संविधान को ही बदल कर रख देंगे। हम आम राज्य लाएंगे और इस देश को आम बनाएंगे। हम तनिक नहीं शर्माएंगे, जबरन बिंदु बनाएंगे। जो खूंटा तोड़ के भागेगा, समझाने से नहीं मानेगा, हम मिलकर उसको लतियाएंगे। जो भी हमको टोकेगा उसको देशद्रोही ठहराएंगे। हम संसद में प्रस्ताव लाएंगे, हम आम आम चिल्लाएंगे। और अंतिम बिल्कुल हो गया, इसके बाद जोक सभा से लाइव आकाशवाणी हुई। एवं मस्तु। उनकी मेजोरिटी है। एवं मस्तु। स्वर्ग से पुष्प वर्षा हुई अंत में, और अब हम समानता ध्वस्त आसन करेंगे। और आसन का तरीका अच्छी तरह समझ लें, आंखें नीची, सिर नीचे, और दिमाग को खाली कर लें। आसन को ठीक से समझ लें, आंखें नीची, सिर नीचे, और दिमाग को खाली कर दें, पूरी तरह कर दें दिमाग को खाली। तर्क शक्ति को झाड़ू मारकर बाहर बुहार दें, और मन ही मन 1,00,000 बार आम 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 का जाप करें। सभी आम जनों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी।